हेलो दोस्तों, मैं संजू आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, ये देखिए छोटे छोटे मशरूम कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसको अभी मैं लेने के लिए आई हूँ, तो अभी मैं मशरूम उठा रही हूँ। दोस्तों, हमारे घर के सामने में ही मशरूम निकला हुआ है, ये देखिए। दोस्तों, ये मशरूम हर साल इधर निकलता है झाड़ियों के नीचे नीचे, तो देख के उठाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, ये जो मशरूम है ये सबसे छोटे वाले मशरूम होते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं अभी। और इसको सब्जी बनाने के बाद जो टेस्ट लगता है कि क्या ही बताएँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इन मशरूमों के सब्जी। तो मेरे घर में सबको मशरूम पसंद आते हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों, झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि डर भी लग रहा है कि कहीं झाड़ियों के नीचे जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो आयुष के बाबा मुझे मना भी कर रहे थे कि मत जाओ झाड़ियों में, रहने दो, पर मैं नहीं मानी, क्योंकि हर साल नहीं मिलते हैं दोस्तों, बार बार नहीं खाने मिलता मशरूम का सब्जी। तो इसीलिए मैं देख देख के अभी मशरूम उठा रही हूँ। दोस्तों, झाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा है तो इसीलिए मैं ज़्यादा अंदर तरफ नहीं गई मशरूम उठाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इतना सारा मशरूम मैं लेके आई हूँ और ये देखने में अभी इतना ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सब्जी बनने के बाद बहुत थोड़ा सा रह जाता है। दोस्तों, अभी मैं मशरूम को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये ज़मीन से निकलते हैं तो बहुत सारे मिट्टी रहते हैं मशरूमों में, तो इसीलिए इसको अच्छे से साफ करके उसके बाद इसका सब्जी बनाऊँगी। दोस्तों, मशरूमों को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि छोटे मशरूम है और एक एक मशरूम को साफ़ करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं इसको पानी में अच्छे से धो लूँगी 2-3 बार, ताकि जो भी बालू या मिट्टी मशरूम में है वो सारा पानी में गिर जाए। दोस्तों, मैं मशरूम को अच्छे से निचोड़ रही हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए, पर हम लोग मशरूम को जितना भी निचोड़े, जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो पानी निकल ही जाता है, पानी निकलता ही है मशरूम से। दोस्तों,
देखिए दोस्तों, मशरूमों को साफ करने के बाद इतना सारे बचे हैं अभी, और इसको जब हम लोग सब्जी बनाएंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। मशरूम कम है तो इसीलिए मैं एक ही प्याज मिलाऊंगी मशरूम में। दोस्तों अगर मीट मछली चाहे तो डेली खा सकते हैं हम लोग, पर मशरूम डेली नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए आज झाड़ियों में घुसकर ही सही पर लेके आई मैं मशरूम घर में सब्जी बनाने के लिए। थोड़ा सा चखने को तो मिलेगा दोस्तों। दोस्तों ये छोटे मशरूम 2-3 साल हो गए हैं खा के, 2-3 साल से मिला नहीं है छोटे मशरूम, तो अभी आज जाके थोड़ा सा टेस्ट करने को मिलेगा। तो मेरे लिए बिना प्याज वाला मैं बना चुकी हूँ मशरूम, और ये प्याज वाला आयुष और आयुष के बाबा के लिए बन रहा है अभी। दोस्तों ये देखिए हमारा देसी मशरूम बन के रेडी हो चुका है, और ये देखिए अभी ये कितना थोड़ा सा रह गया है दोस्तों, अभी ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।